हेलो एवरीवन, दिस इज़ शोभा यादव। वेलकम टू एजुकेशन टॉक विद शोभा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आपके घर पे 15 अगस्त के बाद जो फ्लैग है जिनका कोई यूज़ नहीं है, आप उन फ्लैग्स को कलेक्ट कर सकते हैं अपने नियरेस्ट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दमदार शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान के भी पसीने छूट जाते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कई बार गहरी चोट पहुंचाई है और भारत के कई खुफिया मिशन को अंजाम दिया है। एक ऐसी दमदार शख्सियत जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। ये अपने जीवन में कई बड़े कारनामे कर चुके हैं जिनसे पाकिस्तान के कई नापाक मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल जी 1968 बैच के IPS अधिकारी हैं। अजीत डोभाल जी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB चीफ के पद से रिटायर हुए हैं। वर्तमान में ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। 30 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहने के साथ ही डोभाल जी ने कई देशों में भारत के जासूस के रूप में लंबा समय बिताया है। डोभाल जी सात सालों तक पाकिस्तान में भारत के अंडरकवर जासूस रहे और इसी दौरान वहां की आर्मी के मार्शल पोस्ट तक पहुंचे। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति के रूप में खुद को ढाला और कभी भी किसी को ये भनक तक नहीं लगने दी कि वो एक हिंदू है। लेकिन एक बार उनका ये भेद खुलने वाला था। डोभाल जी पाकिस्तान के लाहौर में रहा करते थे। लाहौर में ही औलिया की एक बड़ी मजार है। वहीं पर एक बार एक व्यक्ति ने इनको रोका जिसकी खुद लंबी दाढ़ी थी। वह पूरी मुस्लिम वेशभूषा में था। उसने इन्हें रोक लिया और कहा कि तुम हिंदू हो। डोभाल जी ने साफ इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कान छिदे हुए हैं और एक हिंदू ही अपने कान छिदवाता है। डोभाल जी ने अपना बचाव करते हुए तुरंत कहा कि मैं पहले हिंदू था, अब मैं मुस्लिम हूँ, यानी कि मैंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। हालांकि इस घटना के बाद इन्होंने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी डोभाल जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। वे एक रिक्शा चालक बनकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए थे और कई खुफिया जानकारी जुटाई थी। उनके द्वारा दी गई जानकारी की सहायता से ही भारतीय सेना को ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। जो मेडल किसी IPS ऑफिसर को 17 साल बाद दिया जाता है, वो मेडल इन्होंने अपनी सेवा के सिर्फ 6 सालों में ही पा लिया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया था। तब इन्हें ही मुख्य वार्ताकार बनाया गया था और फिर बाद में फ्लाइट को कांधार ले जाया गया था और यह ऑपरेशन भी सफल हुआ था। यह भारत के एकमात्र नॉन आर्मी पर्सन हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। 1993 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने रोमानियाई राजनयिक लियो राडू को बंधक बना लिया था, तो उन्हें बचाने के लिए भी डोभाल जी की प्रमुख भूमिका रही। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और उन्हें बचा लिया। बलूचिस्तान में रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स को फिर से एक्टिव करके उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनवाया। उत्तर पूर्व में सेना पर हुए हमले के बाद सीमा पार करके आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सफल योजना बनाई, जो इनकी बुद्धिमत्ता का सबूत है, जिसमें सेना ने म्यांमार में कई किलोमीटर अंदर घुसकर करीब 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर
दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। साहस, शौर्य, नेतृत्व, कर्मठता, वीरता, निर्भयता, किसी एक व्यक्ति में इन सब का समुच्चय होना कठिन होता है, परंतु भारत में शौर्य के प्रतीक है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। दोस्तों, अगर आपको अजीत डोभाल जी के बारे में बताई गई ये बातें, ये जो मैंने अभी बात की, आपको अगर पसंद आई हैं, आपको नहीं पता था, आपको नई जानकारी मिली है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आपको यहाँ पे रोज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शोभा यादव, वेलकम टू एजुकेशन।